और भाई आज हम यहाँ पे अकेले इन वादियों में कैंपिंग कर रहे हैं। कोई भी नहीं है हमारे साथ, बस ये दुकान में एक भैया हैं, एक दो भैया हैं और कोई भी नहीं है। फाइनली गाइस टाइम हो रहा है 2 और अब हमें ये वाटर क्रॉस करनी है जो कि बहुत डेंजरस है और डिफिकल्ट है। जय श्री राम। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिका गाइस। टाइम हो रहा है 8 और हम लोग 6 बजे के उठे हुए हैं और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। भाई ये कुछ व्यू है इस टाइम पे, 8 बज चुके हैं और भाई बहुत प्यारा व्यू है, बहुत ज्यादा प्यारा। वो सामने जो डीकैथलॉन का टेंट दिख रहा है ना ग्रे कलर का, वो वहाँ पे हमने टेंट पिच किया था अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो। और जेनुअनली बताऊँ ना भाई बहुत प्यारी रात भी थी। 6 बजे हमने डिनर कर लिया था और डिनर करने के बाद हम सो गए। बहुत तेज नींद आ रही थी, थकान भी हो रही थी क्योंकि सोने के बाद हम सीधा उठे 10 बजे और 10 बजे उठने के बाद हमने जब टेंट खोला ना भाई क्या रात थी, भाई क्या रात, मैं बता नहीं सकता। काली रात लेकिन बहुत ज्यादा रोशनी थी उस रात में ना, चांद की इतनी प्यारी रोशनी थी, चारों तरफ तारे ही तारे टिमटिमा रहे थे तारे, इतनी प्यारी रात थी कल। ये वादियां देख रहे हो, ये सारी वादियां इतनी प्यारी लग रही थी ना रात में, बहुत ज्यादा। भाई एक चीज की मैं बात कर रहा हूँ जो काफी लोग कवर नहीं करते, हमता पास के लिए अगर आप जा रहे हो या चिका तक आ रहे हो नहाने की कोई सुविधा नहीं है, इवन वॉशरूम की भी कोई सुविधा नहीं है। आपको ओपन में ही जाना पड़ेगा और नदी से पानी लो, बॉटल भरो और ओपन में बिल्कुल देसी तरीके से। ऐसा ही है, ऐसे ही होती है ट्रेकर्स की लाइफ, मैं आपको बता रहा हूँ। भाई देखो यार कितनी प्यारी रिवर है भाई, कितनी प्यारी। ये देखो भाई यहाँ पे हमने अपना कैंप पिच किया था और मैं आपको कैंप के अंदर का सामान भी दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। सबसे पहले तो भाई ये मैट्रेस है हमारा, ग्रीन कलर का एयर मैट्रेस है ताकि नीचे से जो है ठंड ना आए। उसके बाद हमारे पास अगर आपको वो दिख रहा है, ये हमारा स्लीपिंग बैग है -15 डिग्री का। तो काफी कुछ कैरी करके हम चल रहे हैं फिलहाल, बस अब ब्रेकफास्ट खा के फटाफट निकलेंगे। यार अब भूख लग रही है बहुत तेज, 8:30-9 बज रहे होंगे, आगे उधर की तरफ निकलेंगे नेक्स्ट कैंप साइड की तरफ। तो भाई अब टाइम है अपनी ब्रेकफास्ट का, भाई 9 बज चुके हैं और जितने कैंप वाले हैं ना सब निकल गए और हम रह गए हमेशा की तरह। ब्रेकफास्ट में आज हम ओट्स बनाने वाले हैं, रेडी टू मेड ओट्स सफोला के लिए थे हमने। वही बहुत टेस्टी है भाई, अपना खाना रेडी है। हम जो फ्लेवर यूज कर रहे हैं ना ये है क्लासिक मसाला है मेरे ख्याल, बढ़िया है लेकिन बहुत। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप ट्रेकिंग करने जा रहे हो या आप पहाड़ों की साइड कहीं भी घूम रहे हो तो आपको एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, सनस्क्रीन आप बिल्कुल स्किप मत करना। रीजन ये कि नॉर्मल धूप और पहाड़ों वाली धूप में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आपके फेस पे आती है, बहुत गंदी टैनिंग हो जाएगी अगर आपने स्किप कर दिया गलती से भी। और खाने से याद आया, आप जब भी ट्रेकिंग करो तो खाना इतना खाना आपकी भूख से 10% 20% कम हो, वरना आपको ब्लोटिंग होगी, अब ट्रेकिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। और जितना हो सके उतना हेल्दी और लाइट वेट खाना खाना, कार्ब्स वगैरह अवॉइड करना, थोड़ा मैगी तो खास करके, लोगों को लगता है ट्रैकिंग पे मैगी ले जाएंगे उससे पेट भरेंगे तो ये बहुत गलत डिसीजन है। हमें बीच में एक बंदा मिला था, वो कह रहा था हमता पास से पहले ना उसने मैगी खा ली, मैगी खाने से क्या हुआ वहाँ पे, वैसे ही हमता पास 14,000 फीट की ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी है, डाइजेशन नहीं होती ढंग से, और मैगी खाने से क्या हुआ पेट में ना ब्लोटिंग सी चालू होगी, उससे उसकी तबीयत खराब होगी। बेटर ये है कि इजीली डाइजेस्ट जो हो जाए ना खाना, जैसे ओट्स हो गया, उपमा हो गया, मतलब हेल्दी खाना खाओ, लाइट वेट हो, पोहा टाइप हो गया, वो सब खाओ। फाइनली भाई नाश्ता वाश्ता हो गया पूरा और ये रहे हमारे बर्तन, बर्तन हमने साफ कर लिए। भाई बर्तन भी साफ करना पड़ता है, YouTube Instagram पे देख के कैंपिंग बड़ी अच्छी लगती है लेकिन जब करने बैठो ना बहुत थकान भरी होती है। अब बारी है हमारे टेंट को फोल्ड करने की, टेंट सारा पैक करके बैग में डालना है, तो भाई टेंट फोल्ड करके निकलते हैं आगे की तरफ।
फाइनली गाइस हम लोग रेडी हैं आगे जाने के लिए। बैग पैक्स हो चुके हैं, 10 बज रहे हैं और ना सारा सामान पैक करते करते एक घंटा में लग गया। मैं तभी आपको बोल रहा था कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियोस देख कर ना बहुत अच्छा लगता है ट्रैकिंग, लेकिन बर्तन मांजो, बैग पैक करो, स्लीपिंग बैग पैक करो, फिर पता लगता है कि बैग में से कहीं से सामान टेढ़ा हो रहा है, फिर उसको वापस निकालो, फिर वापस पैक करो। ट्रैकिंग करते टाइम तो ये नॉर्मल ही रहता है मतलब। और आज हमें ना ओ पहाड़ की चोटी पे जाना है। बॉडी पेन कर रही थी इसलिए मैंने और मनका ने कॉम्बी फ्लेम खा ली। ये रही मनका। हाय चिका से जो नेक्स्ट कैंप साइट पड़ता है हमारा जो स्पॉट है वो है ज्वारा, और उसके बाद आता है बालू का गेरा, और ज्यादातर लोग जो है वो ज्वारा स्किप करके सीधा बालू का गेरा जाते हैं, तो हम लोग तो जाएंगे ज्वारा क्योंकि हमारे बस की नहीं है इतना ज्यादा ट्रैकिंग करना। तो ठीक है चलते हैं अपने सफर की तरफ। वैसे ना यहाँ पे हर छोटी छोटी जगहों पे ढाबे मिल ही जाएंगे। भाई बहुत खतरनाक वाटर क्रॉसिंग थी ये वाली, रिस्की नहीं है बट हाँ टफ है थोड़ी सी। आज का दिन जो है ना हम काफ़ी एल्टीट्यूड गेन करने वाले हैं, मेरे ख्याल 10,000 फीट पे चले जाएंगे हम आज। तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात ये दो चीज़ों का ध्यान रखा है हमने। पहली चीज़ ये है ब्रेकफास्ट भर के नहीं खाया, और दूसरी चीज़ ये है हमने टारगेट लिया है कि 4-5 लीटर पानी हमें आज दोनों को पीना है। और ये भाई हमें मिल गए हैं साथ में। हाय बोलो भाई। तो थोड़ा सा साथ हो तो बेटर रहता है हमेशा, मोटिवेशन भी मिलती है और थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलता है, मेंटल सपोर्ट। फाइनली गाइस हम ये पहाड़ चढ़ के वहां से वो टेंट दिख रहा है ना वहां से आए हैं, और अभी हमको ना वहां जाना है ऊपर एकदम पहाड़ चढ़ के। अगर आपको लोग दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, कैमरा में मुझे लगता नहीं कैमरा में दिख रहे होंगे, बट ये जहाँ मनका जा रही है ना ऊपर लोग हैं, बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे जाना है। बेसिकली हम एक तरीके से पहाड़ी चढ़ रहे हैं, अब रास्ते खत्म, अब पहाड़ की चढ़ाई चालू। टाइम हो रहा है 10:30 और हम लोग वहाँ से आए हैं जहाँ आपको येलो टेंट दिख रहा है, पता नहीं विजिबल है कैमरे में कि नहीं, बट हम इतनी दूर से आए हैं, 40 मिनट हो चुके हैं हमें हाइक करते हुए, और अब हमें उस साइड जा रहा है पत्थरों के बीच में, बिल्कुल हालत खराब होने वाली है अब। फाइनली गाइस टाइम हो रहा है 11 और हमको ट्रैक करते हुए हाइक करते हुए 1 घंटा हो चुका है, और नजारा कुछ ऐसे है, बढ़िया नदी जा रही है, बहुत अच्छी वैली है। अब जो है ना बहुत फिसलन भरे ट्रैक आ रहे हैं, हमको यहाँ से ट्रैक करके जाना है, अगर पैर फिसला तो नीचे सीधा खाई में है। मतलब इस तरीके के ट्रैक्स भी हैं यहाँ पे, वो देखो वो मनका जा रही है पहाड़ों पर चढ़ती हुई, ये देखो भाई अगर यहाँ पैर फिसला ना तो सीधा नीचे हम। फाइनली गाइस टाइम हो रहा है 12:30 के आसपास, हमको अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे हो गए हैं, और अभी हम इस नज़ारे की तरफ पहुंचे हैं। भाई बहुत सुंदर सी रिवर जा रही है वो देखो, अगर आपको दिख पा रही है तो। और जो ट्रैक है ना वो काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी जा रही है, एल्टीट्यूड भी गेन कर रहे हैं, बस यही है कि धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं, टाइनी स्टेप्स ले रहे हैं बट लंबा चलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको वो दिख रहा है ना वो, तो ये रोड से क्रॉस होते हुए हमको वहाँ पत्थर तक अभी फिलहाल पहुँचना है, बाकी अभी लोकल गाइड वगैरह आए थे तो वो कह रहे थे अभी आपको 2 घंटे लग जाएंगे पहुँचते जवारा तक। काफी लोग जो है ना वो जवारा मिस कर देते हैं, सीधा बालू का गिरा चले जाते हैं, तो मेरा जो प्लान है नहीं, मेरा प्लान जवारा रुकने का है, मेरे को इंजॉय करते हुए जाना है, आराम से स्टे लेते हुए कैंपिंग कल्चर को फील करते हुए भी जाना है। कितनी सुंदर रिवर जा रही है और बिल्कुल नीला पानी है, एकदम नीला। फाइनली भाई हम वहां से ऊपर आ गए हैं, और अभी हमें यहाँ ये रिवर क्रॉसिंग क्रॉस करते हुए ऊपर पहाड़ चढ़ना है ऊपर को, बहुत टफ होती जा रही है जर्नी, लेकिन देखते हैं कैसे कर सकते हैं। चल मनका। भाई बहुत रिस्की हो रहे हैं हम रास्ते, चल चल चल। जयराम जयराम जयराम। फाइनली गाइस टाइम हो रहा है 2 और अब हमें ये वाटर क्रॉस करनी है,
जो कि बहुत डेंजरस है और डिफिकल्ट है। शूज वगैरह हमने उतार के यहाँ पे रख लिए हैं, मनका ने भी रख लिया है, और ये भाई के साथ हम हाथ पकड़ पकड़ के वाटर क्रॉसिंग करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो भाई, चलो भाई, चलते रहो, चलते रहो भाई, चलते रहो। जय श्री राम। चलो चलो, जय श्री राम। इजी इजी इजी, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई हाथ मत छोड़ो, हाथ मत छोड़ो। फाइनली गाइस हम निकल रहे हैं इस नदी को बाय बाय करते हुए। भाई ये बहुत रिस्की नदी है, बहुत रिस्की, सच बता रहा हूँ मैं। मतलब मैं पूरा वेस्ट तक भीग गया, मेरे दोनों फोन भीग गए, दोनों फोन मेरे पास पड़े हुए थे, दोनों के दोनों फोन भीग गए, पूरी पैंट भीग गई, अंदर अंडरवेयर तक भीग गया भाई। और बहाव इतना ज्यादा था ना कि हम छह जने थे, छहों को बहा के ले जाता। तो गाइज हम फाइनली पहुंच गए हैं जवारा, और यहाँ पे अभी किसी और कंपनी वालों ने अपना टेंट नहीं लगाया है। बाकी आज हम यही स्टे करेंगे जवारा में, हम पी रहे हैं बढ़िया सी चाय और ये कुरकुरे। भाई 20 रुपए के कुरकुरे हैं जो इस जगह पे 50 रुपए के मिल रहे हैं। खैर महंगाई बनती है क्योंकि इतनी ऊपर तक लाना भी बहुत मुश्किल है। वैसे जवारा में कैंप साइट्स होते हैं, बट आज अभी बाई चांस की बात है कोई आज नहीं रुका। कल इंडियन हाइक्स के लोग यहाँ पे आएंगे अपना, जो अपने कैंप्स लगाएंगे यहाँ पे। तो ठीक है, हम अपना कैंप शायद इधर ही कहीं लगाएंगे। सब चिल सीन है, बहुत भूख लग रही है, चाय पियेंगे, थक गए बहुत ज़्यादा। तो गाइज हम लोग रुके अभी चाय पीने, और भैया ने बहुत ही टेस्टी चाय बनाई है। देखो उसको, ये पी भी क्या, आधी पी गई है, इतनी गर्म चाय होगी। आज हमसे एक गलती हो गई कि हम लोगों ने बहुत लेट शुरू किया अपना आज का ट्रैक, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि नहीं आती अगर हम टाइम से निकलते। तो ट्रैक अपना लेट किया, इस वजह से जो वाटर क्रॉसिंग थी उसमें पानी का लेवल बढ़ चुका था, जो हमें ऑलरेडी पहले में इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लेट आओगे तो आपको वाटर फ्लो ज़्यादा मिलेगा, वाटर लेवल ज़्यादा मिलेगा। वही हुआ, बट बाय चांस की बात है हम यहाँ पे 4 लोग मिल गए, तो हमने साथ में मिलके क्रॉस कर लिया। बाकी इतना ठंडा पानी था भाई, पैर सुन हो गए थे मेरी, तो पूरी पैंट्स खराब हो गई है, पूरी पैंट्स। और अब तू बोल यार। तो फाइनली गाइस अब चाय वाय पी लिए, थोड़ा रिलैक्स कर लिया है, 10-15 मिनट बैठे थे यहाँ पे, अब हम लगा रहे हैं अपना टेंट। 3:30 बज रहे हैं इस टाइम पे, और टेंट लगा लेते हैं अपना, 5-6 बजे डिनर कर लेंगे और फिर सो जाएंगे, फिर कल सुबह जल्दी उठेंगे ताकि हम जल्दी स्टार्ट कर सके। जल्दी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है यार। फाइनली भाई अपना टेंट जो है वो हो चुका है रेडी, एकदम हमने पिच कर दिया एकदम बढ़िया तरीके से। और भाई आज हम यहाँ पे अकेले इन वादियों में कैंपिंग कर रहे हैं, कोई भी नहीं हमारे साथ, बस ये दुकान में एक भैया हैं, एक दो भैया हैं और कोई भी नहीं है। यूजुअली यहाँ पे लोग होते हैं, बट पता नहीं यार क्या सीन है। सुनने में आया कि कल जो है ना इंडियन हाइक्स वाले यहाँ पे टेंट लगाने वाले हैं, और ना अपने ना कपड़े बहुत ज्यादा गीले हो गए थे, तो मैंने चेंज कर लिया, और जो कपड़े सूखने वाले थे ना वो सूखने के लिए डाल दिया। सिर्फ ना 5 मिनट पहले यहाँ बहुत तेज धूप थी, और जैसे ही कैमरा ऑन करा ना, बटन दबाया, भाई एकदम से छांव हो गई। और भाई बहुत सुंदर व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, एक वाटरफॉल वहां से आ रहा है, एक वाटरफॉल वहां से आ रहा है ना, और एक इतनी प्यारी नदी जा रही है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी प्यारी नदी है ना भाई, अभी यहाँ से मैं पानी वानी भर के लेकर गया, बहुत प्यारी नदी है, कितनी प्यारी नदी है ना, यहाँ पे बैठो सुकून से, मजा ही आ जाएगा। और भाई पूरी वादियों में हमारे अलावा कोई नहीं है, वो रहा हमारा टेंट। तो बस यही है आज, अभी तो मेरे ख्याल 4-4:30 बज रहे होंगे, 6 बजे तक अपना डिनर कर लेंगे, अपना बैठेंगे आराम से, रेस्ट करेंगे, और कल निकलेंगे थर्ड कैंप साइट की तरफ। कैंप साइट का नाम है बालू का गेरा। अगर मैं आज बालू का गेरा चला जाता, ये वादियाँ कैसे एंजॉय कर पाता यार। वाह, वो देखो वहाँ से सन आ रहा है,
और भाई क्या नजारे हैं यार, मैं आपको बता नहीं सकता। तो फाइनली गाइज 6 बज रहे हैं और मनका की तबीयत भी काफ़ी डाउन है। फिलहाल ओट्स खा के सो जाएंगे और कल फिर हमें जाना है आगे बालू का घेरा। फिलहाल अभी हम क्विक ओट्स बना रहे हैं और उसके बाद हम सीधा सो ही जाएंगे क्योंकि काफ़ी थके हुए हम। तो गाइज फिलहाल के लिए इतना ही, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।